नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी 2024 सब्जेक्ट प्रेफरेंस के सिलेक्शन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और आप सभी अब अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने के लिए बहुत परेशान होंगे। मैंने कई वीडियो सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे बनाए हैं और इसके साथ साथ अगर आप एक नए छात्र हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेफरेंस पे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ से आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट होगा इस पे सबको ध्यान देना है, लेकिन वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना है। हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। हमसे आपसे जब मतलब हम आपको कहाँ मिलेंगे, देखिए मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, तो मेरी आईडी अभिनव द्विवेदी 2024 है। इंस्टाग्राम की सिर्फ एक ही आईडी है और कहीं भी मैं बात आपसे नहीं करता, मैं सिर्फ एक जगह आपसे बात करता हूँ। और इसके बाद हमारा जो पेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैपिटल एक्स और PREESS है, जिसका लिंक हमने दिया है कमेंट बॉक्स में, बस हमारी टीम वहीं पर आपको रिप्लाई करती है। और कहीं भी हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है, नंबर मैंने अपना सब कुछ बंद करके रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बाकी और कहीं से भी किसी भी प्रकार से अगर मेरा नाम लेकर के आपको कुछ भी बरगलाया फुसलाया जा रहा है तो आप लोग उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये पिछले सालों में भी हुआ है कि फर्जी नाम से टेलीग्राम पे आपको मैसेज करके एडमिशन का जो भी चीज़ें, इससे आप सावधान रहिएगा। बाकी अपने सारे जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उसको हम पोस्ट भी किए हुए हैं और एक बार फिर से हम पोस्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान देना आपको है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस 24 और 25 अगस्त को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो रहा है, बीए और बीएससी मैथ और बीएससी बायो के सब्जेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे प्रेफरेंस का सिलेक्शन करना है। सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि प्रेफरेंस हमको सबको सेलेक्ट करना है। बीए के लिए कुल मिलाकर के 20 प्रेफरेंस आ रहा है, बीएससी के लिए मैथ के लिए 7 और बायो के लिए 5 प्रेफरेंस आ रहा है, यानी 7 और 5। आप जब अपना लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जब कैप्चर डालेंगे तब आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुलने के बाद जो आपने कोर्स का प्रोग्राम एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, अब यहाँ पे आपका एक साथ दो दो चीज़ है। ट्वेल्थ का जो डिटेल गलत है उसमें भी आपका आ रहा है अपडेट एकेडमिक डिटेल्स, लेकिन ये सिर्फ बीए और बीएससी के प्रोग्राम के लिए आ रहा है, बीए वीएलएलबी के लिए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। अपडेट कोर्स सिलेक्शन यहाँ पर है और अपडेट कोर्स सिलेक्शन यहाँ पर है बीए आर्ट्स में। तो जब प्रेफरेंस का आप सिलेक्शन करेंगे तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लिक करने के बाद सीधे खुल ही नहीं रहा, क्योंकि एक साथ साइट पे बहुत सारे बच्चे विजिट कर रहे हैं तो इस वजह से खुल नहीं रहा है। लेकिन आपको इसी पे क्लिक करना है, जब भी आपकी साइट खुले बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए, रात वात में करेंगे सिलेक्शन तब हो जाएगा, क्योंकि दिन में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे एक ही साथ सबका जल्दी जल्दी हो जाए। 11 बजे ये खुला था और 11 बजे जैसे खुला जी, उसके बाद तुरंत ही जिन बच्चों का तुरंत खुल गया वो तुरंत सेलेक्ट कर लिया और जिन बच्चों का खुला नहीं वो सेलेक्ट नहीं किए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट है? देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें खुल रही हैं। अपडेट कोर्स सिलेक्शन जब आप करेंगे एक साथ, देखिए एक बार जब आप क्लिक करिए तो उसको पूरा फाइनल भर के ही वापस आइए, क्योंकि यहीं पर दिक्कत होती है रिफ्रेश करने में। उसके बाद हम एप्लीकेशन सबमिट यहाँ से करेंगे और फिर प्रिंट फॉर्म करेंगे, यहाँ पे नीला नीला भी आ रहा है तो अभी आपका फुल सबमिट नहीं, अपडेट कोर्स सिलेक्शन आपका अभी नहीं हुआ है। तो यहीं से आपका अपडेट कोर्स सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका जो प्रेफरेंस सिलेक्शन होगा यहीं से होगा। यहाँ पे 20 लिस्ट हम आप देखिए, अब हम कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। एक बच्चे ने मतलब बहुत सारे बच्चे तो भर भी रहे हैं, वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप इसको देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन को, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपडेट कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे ये है दिख ही रहा होगा आपको, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, अपडेट एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में जिनका ट्वेल्थ का मार्क्स और सब्जेक्ट गलत हो गया है वो अपना अपडेट करेंगे, और जिनका कोर्स सिलेक्शन सिर्फ बी और बीएससी वालों के लिए है तो और सारे कोर्स के विद्यार्थी परेशान ही ना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट कोर्स सिलेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ बताया। इसके बाद फिर आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, चूज ऑप्शन फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्ट्स प्रोग्राम ऑब्लिक चॉइस सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको दिख रहा होगा ऐसे सीरियल से है, 12-1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 20 तक है 20, और फिर यहाँ पर आपको है सेव कोर्स सिलेक्शन। देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नीचे, सेव कोर्स सिलेक्शन,
आपको दिख रहा होगा, आप जूम कर लीजिएगा जो भी करना होगा। सेव कोर्स सिलेक्शन आपको दिख जाएगा, जब आप 20 के 20 सेलेक्ट कर लेंगे तब आप उसके बाद फिर आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को और फिर आपका प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा स्टेप बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। यहीं से आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस का सिलेक्शन होगा, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्रेफरेंस से हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि आप अगर यहां से गलती करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। सबसे पहले बीए के लिए, बीए आर्ट्स के लिए जो है वो 20 यहां पे प्रेफरेंस आ रहे हैं, 20 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोड रहेगा 1, 2, 3, 168, 165, मैंने आपको बताया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 तक है। अब इस पे ध्यान देना है हमको कि हमको बहुत सावधानी से 20 के 20 भरना है। बहुत लोग अभी साइबर कैफे वाले भैया से बोल देंगे कि हमारा आप कॉम्बिनेशन भर दीजिए, वो भर देगा क्या तबला, तब आप बैठ के बजाएंगे क्या तबला, वो भर देगा क्या सितार, सितार वाला ऑप्शन भर देगा गलत। तो सीरियल से भरना इसी वजह से इसका नाम दिया गया है प्रिफरेंस, यानी कि आपकी पहली प्रिफरेंस क्या है, नंबर के हिसाब से अलॉट होगा। हो सकता है आपको ये सब ना मिलके 13वां नंबर मिल जाए, हो सकता है ये सब कम नंबर आपका है तो 20वां नंबर मिल जाए। जिनका ज्यादा नंबर है उनको तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में मिल जाएगा, लेकिन जिनका कम नंबर है यार वो तो कम से कम अपने लिए सोचें कि आप कम से कम 20 तक बहुत सीरियस भरे। 20 के 20 कॉम्बिनेशन आपको भरना है, ये कंपलसरी है। 20 के 20 आप भरिए। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, पिछले साल का पीडीएफ है उसी हिसाब से देख लीजिएगा, और वहां पे जब आप भरने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप चेक कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, पीडीएफ हम भेज देंगे। बीएससी के लिए, मैथ के लिए शायद 7 कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसका भी पीडीएफ है हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे। सब लोग जुड़ जाइए तुरंत, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, यहां पे मेरी फोटो डीपी में लगी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, कैपिटल एक्स पी आर ई डब्ल्यू एस है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, और किसी भी समस्या के लिए आप परेशान मत हो, सारी चीजें बताई जाएंगी। बीएससी मैथ में आपको 7 कॉम्बिनेशन आएंगे, यहां पर भी बायो के, यहां पर भी सब ध्यान से सेलेक्ट करिएगा आप लोग, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हैं। बीएससी बायो में शायद 5 कॉम्बिनेशन आएंगे आपके, बायो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। जो भी सेलेक्ट करना होगा आप 5 में अपनी पहली प्रायोरिटी जो रखेंगे वो सेलेक्ट कर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है तो उसको जो है देख लीजिएगा आप, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है। अभी देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, 2 ही दिन का समय है, नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कोर्स का तो हम क्या करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर साइट नहीं चल रही है तो यूनिवर्सिटी को भी वो पता है, बट आप लोग ट्राई करते रहिए, बार बार ट्राई करते रहिए। तो प्रेफरेंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अपडेट प्रोफाइल, अपडेट कोर्स सिलेक्शन पे आपको जाना है, उसके बाद आपको 20 कॉम्बिनेशन बीए में, 7 बीएससी मैथ में, 5 बीएससी बायो में सेलेक्ट करके फिर अपने फॉर्म को सेव करना है और फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये सारा प्रोसेस पूरा कोर्स सिलेक्शन का है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन का। प्रेफरेंस लिस्ट हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, बाकी हम कई वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट पे बनाए हैं, 3-4 दिन पहले भी हमने अपडेट किया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हम एक लाइव सेशन भी कभी भी ले सकते हैं, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा और उस लाइव में जुड़िएगा, क्योंकि आपको हम प्रेफरेंस का एक अच्छी से लिस्ट बताएंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट में आप क्या भरें। कल मैंने बताया भी है कुछ कुछ हिट कॉम्बिनेशन, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़िए रहिए, कोई भी समस्या होने नहीं दूंगा मैं।